कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गीता जयंती महोत्सव सरस मेले का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गीता का संदेश हजारों साल बाद आज भी प्रासंगिक और सरस मेले से हरियाणा की संस्कृति की महक और पहचान विदेशों तक पहुंचेगी। राष्ट्रीय महोदय 29 नवंबर को गीता जयंती महोत्सव मुख्य कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सरस मेले के माध्यम से हरियाणा प्रदेश की संस्कृति की पहचान विदेशों तक पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि सरस मेले में 600 स्टॉल्स लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 देशों से लोग सरस मेले में आएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि 10 जिलों से गीता जयंती में आने वाले यात्रियों को किराए में 50% छूट दी जा रही है। उन्होंने गीता जयंती के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप पर पिछली सरकारों के द्वारा ध्यान न देने पर कहा है कि जब जागो तब सवेरा अगला कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित रहेगा। जब भी जागो तभी सवेरा, हमने इस बार 10 जिलों में यात्री जो इस मेले में आना चाहते हैं उनके लिए 50% किराए के ऊपर, इससे पहले सिर्फ 5 जिले थे, इस बार 5 जिले और बढ़ाए हैं और जैसे जैसे उधर से उसकी उपयोगिता लगेगी आगे अगले वर्षों में आवश्यकता हुई तो और भी ज़्यादा किराए। देखिए ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, मुझे ध्यान में है चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पर तो मैंने स्वयं बोर्ड देखे हैं, अब दिल्ली के एयरपोर्ट का मुझे ध्यान नहीं है, दिल्ली में किया है। तो इसका मतलब है कि जो लोग आते जाते हैं बार बार वो उसको देखते हैं, क्षेत्र में जो बैठे रहते हैं उनको पता नहीं लगेगा एयरपोर्ट पर क्या है। पहली बार आप धार्मिक संस्थाओं। बहरहाल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 29 नवंबर को गीता जयंती के मुख्य कार्यक्रम में भाग लेंगी। उसी दिन राष्ट्रपति महोदय हरियाणा की कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। राजीव अरोड़ा, टोटल टीवी, कुरुक्षेत्र।